वज़ीर-ए-आला हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की 1-to-1 मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी, मौसी और दीगर मामलों पर गुफ्तगू की जा रही है। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी सलाउद्दीन बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो आज वजीर आला हाउस कुछ देर पहले पहुंचे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह से 1-to-1 मुलाकात की है, जिसमें सूबे की जो तरक्याती मनसूबे हैं और दीगर जो अमनो अमान की सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू हुई है। उसके बाद अब जो है वो इजलास हो रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें जो है वजीर आला सिंध और जो इत्तेहादी हैं दीगर पार्टियों के वो भी इसमें शामिल हैं, जिसमें कराची बिल्कुल के हवाले से जो मनसूबे हैं तरक्याती मनसूबे उनके हवाले से गौर किया जा रहा है। और जो दीगर जो इस हवाले से जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो खिताब करते हुए कहा है कि हमने जो है एक नाअहल हुकूमत का जो खात्मा किया है, सिलेक्टेड हुकूमत का मिलकर उसका खात्मा किया, तो अब जो है हमने बेरोजगारी का भी खात्मा करना है और लोगों को खुशहाली की तरफ लेकर जाना है। इसमें एक खास बात यह है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अभी ऐलान किया है कि जो साइड के जो जितनी भी सड़कें हैं वो उसकी जो अब अखराजात हैं वो वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी और उनको जो है वो तमाम जो है सड़कें बनाएगी। तो इस हवाले से अभी भी इजलास जारी है। इस पे जो वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने भी जो है अपना क्या आए हैं वजीर आजम कराची के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकर के आए हैं जो इधर वफाकी हुकूमत के जो तरक्याती मनसूबे पहले से आ रहे हैं उनके हवाले से आज यहाँ पर गौर होगा और उसके हवाले से जो जायजा लिया जाएगा, तो उसके बाद वजीर आजम जो है वफाकी हुकूमत की जान से पेशकश करेंगे और वफाकी हुकूमत की जान से बताएंगे कि वो उनको क्या क्या दे रहे हैं। तो इस हवाले से जितने भी मनसूबे थे, जिसमें K4 का भी मनसूबा है और फ्रेड कॉरिडोर भी है और दीगर जो ठीक है सलाउद्दीन, तमाम तर मंसूबों पर बात की जा रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।